नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तीसरी एफसीआई गोदाम का निरीक्षण धनवार पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ किए। निरीक्षण के दौरान जन वितरण प्रणाली का राशन प्रखंड के 4 पंचायत में जनवरी माह का गबन करने का आरोप एमओ व संबंधित ठेकेदार पर लगाया गया है। यादव ने कहा कि प्रखंड के बरवा डी, थान सिंह डी, सिंघो व खिजूरी में अब तक जनवरी माह का राशन नहीं मिला है। इसका मतलब है जन वितरण प्रणाली में भारी लूट मचा है। शेष 11 पंचायत में राशन का वितरण के लिए भेजा गया है। फरवरी माह के 9 दिन बीत चुके हैं, अब तक 4 पंचायत में जन वितरण प्रणाली का राशन नहीं पहुंचा है। कहीं गबन करने का संकेत दे रही है। इसके पहले भी इस तरह का कई बार लेट लतीफ का कार्य प्रणाली कर एफसीआई का अनाज सीधे बेच दी जाती है। इसकी जांच उच्च स्तरीय हो ताकि अनाज कालाबाजारी का खुलासा हो सके। गरीबों का अनाज के साथ कालाबाजारी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, अन्यथा माले इस मामले को लेकर उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। इन्होंने कहा, तीसरी ही नहीं गिरिडीह जिले के धनवार, गावा, जमुआ जैसे तमाम प्रखंड में यह खेल खेला जा रहा है, जिसके लिए विधानसभा में इसके लिए आवाज उठाई जाएगी। मौके पर मुन्ना राणा, बालेश्वर यादव, मंटू शर्मा, मदन यादव, प्रकाश यादव, छोटी यादव, लालो राय, राजकुमार तुरी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। अनाज घोटाला और घपलाबाजी में काला बाजारी में पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं। इनके जनप्रतिनिधियों के द्वारा महीना में पैसा वसूला जा रहा है और यही वजह है कि जब से बाबूलाल मरांडी चुनाव जीते हैं, गरीबों के अनाज के साथ भारी पैमाने पर घोटाला हो रहा है और प्रखंड मुख्यालय में भी खुलेआम भ्रष्टाचार बढ़ गया है। इसलिए तीसरी की जनता को, हम लोगों को एकजुट होकर के ऐसे भ्रष्ट जनप्रतिनिधियों को खिलाफ में खड़ा आवाज़ उठाना होगा। भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ, भ्रष्ट डीलरों के खिलाफ भाकपा माले कोई समझौता नहीं करेगी और इसलिए आज हम लोगों ने ये निर्णय लिया है और आज गोदाम में आकर के हम लोगों ने निगरानी।